बिहार के नवादा में हीट वेव की चपेट में आने से एसआई की मौत हो गई। सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं बल्कि लू की चपेट में आकर चार लोगों की मौत हो गई है। जिले के अस्पताल भी हीट वेव के मरीजों से भरे हुए हैं। जहानाबाद में दो दिन में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हीट स्ट्रोक के कारण हुई। अस्पताल में जो हालात हैं वो कोविड के दौर की याद दिला रहे हैं। अभी एक मरीज की डेथ हुई थी और कम से कम 10 से 15 मरीज लू का शिकार लेकर आए थे, उनका दो दिन को पटना ले जाया गया, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। जहाँ बचा हुआ घूमने गए थे दोपहर के समय में, तो दोपहर समय गए तो फिर एक भाई गिर गए, गिर के फिर गिरले रह गए, तो फिर उनको टांग के लाया गया, फिर उनको फिर हॉलम फिर उनको जहाँ लाया गया, और फिर जहाँ लाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि उनको मृत घोषित कर दिया। जिले में 12वीं तक के स्कूल 24 जून तक बंद कर दिए गए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश की उम्मीद जताई है, जिससे हीटवेव के हालात से राहत मिलने की उम्मीद है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।